हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करी जो सफ़ेद बालों को इंस्टेंट कलर करती है, इंस्टेंट काला करती है। देखिएगा, ये जो नेचुरल डाई होती है ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती। मार्केट की कोई भी डाई इस्तेमाल करते हैं उससे आपके बालों में साइड इफेक्ट होने का भी डर रहता है, लेकिन जो मैं नेचुरल तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपने पहले भी कोई डाई इस्तेमाल की है और आपके मार्केट वाली डाई इस्तेमाल की है, केमिकल से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो ये डाई आपके एक से दो बार में ज़रूर से चढ़ जाएगी। और इसको जो है आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल तरीके से आपके 100% बाल ब्लैक तो होंगे, साथ ही काले घने चमकदार भी बनेंगे। और ये नेचुरल डाई बहुत इजीली आप घर में जो है आसानी तरीके से बना लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक बेल आता है उसको ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, आपको भी आयरन की कढ़ाई लेनी है। देखिए, आयरन की कढ़ाई में जल्दी से ही जो हमारे बालों में कलर आता है बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो ली है कॉफ़ी। अब देखिएगा, कॉफ़ी जो है हमारे बालों में कलर तो देती है, साथ ही बालों में जो कलर आता है उसको परमानेंट लॉक कर देती है, जो लॉन्ग लास्टिंग कर देती है कलर को। अगर आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं तो आप ज़्यादा पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट की डाई का इस्तेमाल किया है तो कॉफ़ी जो है आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने कम डाली है यहाँ पे, आप ज़्यादा 2 से 3 पाउच भी ऐड कर सकते हैं, अपने पैक के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम पैक बना रहे हैं, कम बालों में लगा रहे हैं, आपकी बालों की ग्रोथ कम है तो आप कम ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा, मैंने एलोवेरा लीफ पाउडर लिया है। अब एलोवेरा जो है हमारे बालों में शाइनिंग तो देता ही है, साथ ही देखिएगा जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेहंदी जो होती है हमारे बालों में ड्राइनेस देती है, लेकिन एलोवेरा लीफ जो है मेहंदी के साथ मिलने के बाद में आपके बालों को ड्राइनेस से बचाता है, ड्राइनेस को दूर करता है। इसके बाद मैंने ये देखिएगा, ये है फ्रेंड्स मेहंदी, मेहंदी जो है देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ली है कलरलेस हीना। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितनी आपकी बालों की लेंथ हो उतना आप हीना यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब देखिएगा, यही पाउडर मैंने लिया था, एलोवेरा लीफ पाउडर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बालों को काला घना चमकदार बनाता है ये फ्रेंड्स। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आप इन पाउडरों को मिक्स कर दीजिए, अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको मैं बता देती हूँ, ये है काले तिल का पाउडर, साथ ही इसमें 3 चीज़ मिक्स हैं, और इसमें है काले तिल का पाउडर है, प्लस आपके इसके संग है कलौंजी और काला कत्था, तीनों चीज़ों को आपको जो है मिक्स कर लेना है पाउडर फॉर्म में, और उसके बाद 1 चम्मच इस पाउडर को आपको मिक्स करना है। तीनों चीज़ जब आप मिक्स करते हैं तो आपके बाल काले बनते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर दूर हो जाता है। आप देखिएगा, इस तरीके से आपको इसमें पानी ऐड कर लेना है और इसे सीरम फॉर्म में तैयार कर लेना है, क्योंकि हम इससे ही मिक्स करने वाले हैं। ये जो है ये सीरम आपके बालों को काला बनाएगा। इस तरीके से आपको सीरम रेडी कर लेना है, थोड़ा सा पतला नहीं रखना है, मतलब सही रखना है आपको, जितनी क्वांटिटी आपने पाउडर की ली है उसी हिसाब से आपको डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारे पाउडर्स एक सार हो सके। फ्रेंड्स, इस तरीके का आपको जो है पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है, जैसे मैं बना रही हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कलर देता है ये लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही है, साथ ही काफ़ी दिनों तक आपके बालों में टिका रहता है। और वीक में अगर आप 2 बार भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट वीक आपने 2 बार लगाया, उसके बाद में आपने 15 डेज में 1 बार लगाया, फिर महीने में आपको 2 बार लगाना है, स्टार्टिंग मंथ आप 2 से 3 बार लगाइए, फिर दूसरे मंथ आपको जो है सिर्फ 1 बार लगा लेना, इस तरीके से आपको करना है ये प्रोसेस। और इससे आपके बाल काले बनेंगे, घने बनेंगे, चमकदार बनेंगे, बालों में कोई कलर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस रेमेडी को लगाने के बाद। और ये जो रिज़ल्ट देती है बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और ये रिज़ल्ट जो देती है बहुत 100% अच्छे से रिज़ल्ट देती है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आप जो है हीना पैक के बाद में आप इंडिको पैक भी लगा सकते हैं, जिससे अगर आपके बालों में कलर नहीं आ रहा तो आप इंडिको पैक लगाएंगे इसके बाद तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं जिन बालों में आपको दिखा रही हूँ, पहले से केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, तो 100% ये रिज़ल्ट देता है। तो आपको इस तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, और आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे आपके बाल जो बनेंगे काले बनेंगे, चमकदार बनेंगे, और पूरे बालों में जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद में आपको नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करना है। अगर आप नेक्स्ट डे इंडिको का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंडिको पैक आप लगा सकते हैं, सिंपल वाटर में भी आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा वार्म वाटर में इंडिको को मिक्स कीजिए, उसके बाद 1 नींबू डालिए और 10 मिनट तक उसे कवर पैक कर दीजिए।
पैक करने के बाद ही वो जो है इंडिको अपना कलर देता है, नहीं तो हवा में वो है इंक्रीज हो जाता है, हवा में उड़ जाता है इंडिको। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको पोलोथीन से 10 मिनट के लिए उसे पैक कर देना है, जिस भी बर्तन में आप मिक्स करते हो उसे पैक कर दीजिए, उसके बाद में बालों में अप्लाई कीजिए और बालों को भी कवर आउट आपको कर देना है और वेट ड्राई होने के बाद ही नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। आपको जो है ऑयलिंग करनी है रात में और उसके बाद 2 दिन के बाद ही आपको शैम्पू इस्तेमाल करना है। अगर आप डबल प्रोसेस करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। आई होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।